हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है वो जीएस पेपर 3 पर होने वाला है। जीएस पेपर 3 पे हमारे सब्जेक्ट वगैरह जो है, जो यूनिट वाइज हमने डिवाइड कर रखा है, उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जो जीएस पेपर 3 है उसको मैंने 20 यूनिट में डिवाइड करके रखा है। कितने? 20 यूनिट में डिवाइड करके रखा है। और सबसे पहले मैं बता दूँ, जो 1 to 10, 1 से लगा के 10 तक जो यूनिट हैं उसमें हमारा क्या क्या आएगा, उसमें मेनली हमारी इकोनॉमिक्स है। अब देख, तो इकोनॉमिक्स में क्या क्या? अर्थशास्त्र है, कृषि, उद्योग, सेवा, ये सब चीज़ें ना इकोनॉमिक्स आ रही। तो 1 से लगा के 10 यूनिट हमारा किसको कवर करेगा? इकोनॉमिक्स आएगा। ये प्रिलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट दोनों में आ रहा है। प्रिलिम्स में आपको 16 से 20 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, मैं सिर्फ बताती हूँ कि 16 से 20 मतलब इसके अंदर ही क्वेश्चन आएंगे, इसके ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। और मेंस में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और अगर मैं रिसोर्स की बात करूं तो आप क्लास 11th की एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो, और भी स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, और मतलब कई बुक्स आती हैं, क्लास 12th की एनसीईआरटी वगैरह भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप कोई स्टैंडर्ड बुक्स पे फॉलो कर लो जो आपको समझ में आ रही हो, या फिर किसी के नोट्स फॉलो कर लो बस। उसके बाद बात करते हैं 11, 12 और 13, 1 से 10 यूनिट तक हो गया। अब बात करेंगे 11, 12 और 13, जो ये यूनिट है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हैं, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो प्रिलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं। प्रिलिम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं 5 to 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर पेन पेंसिल नहीं है तो प्लीज़ लेके बैठ जाओ, फालतू में वीडियो देख के कोई मतलब नहीं है अगर नोट नहीं कर रहे हो कहीं भी। तो प्रिलिम्स आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और मेंस में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके लिए भी आप क्लास एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, इसके लिए भी आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, किसी कोचिंग वगैरह की आप बुक्स ले लो या फिर उनके नोट्स फॉलो कर लो, ठीक है। अब बात करेंगे यूनिट 14 जो हमारा है वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी दोनों है, ठीक है। उनमें अगर हम बात करें तो प्रिलिम्स और मेंस दोनों का टॉपिक है। इसमें प्रिलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएंगे। 3 से 5 क्वेश्चन आपको प्रिलिम्स में देखने को मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। और अगर हम बात करें तो देखो, इसमें क्लास 12th की एनसीईआरटी वो आप ले सकते हो, या फिर किसी के नोट्स फॉलो कर सकते हो, बायोलॉजी वगैरह भी इसमें है। अब यूनिट 15 आता है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो प्रिलिम्स में नहीं आने वाला है, मेंस में आएगा। प्रिलिम्स में बिल्कुल भी क्वेश्चन आएंगे, मेंस में 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में करंट अफेयर के जितने भी पॉइंट हैं आप इसमें लेकर के चलोगे, ठीक है। करंट अफेयर को ज़रूर रखो, और किसी भी नोट्स वगैरह को ले सकते हो यहाँ पर। उसके बाद 16 से लगा के 20 तक जो यूनिट हमारा है वो आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी है, ठीक है। ये हमारा प्रिलिम्स में इसमें क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। मेंस में आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, और करंट अफेयर के साथ में। इनका जो करंट अफेयर है आप रेगुलरली रेडी करते हुए रखोगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारा जो जीएस पेपर 3 का डिस्कशन था। अगर एक बार भी नहीं हुआ है तो एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो नोट करके लिखना, इससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तो 1 से 10 यूनिट हमारे इकोनॉमिक्स में जाएगा, 11, 12, 13 साइंस टेक्नोलॉजी है, 14 इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, 15 डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन, ठीक है, और 16 से लगा के 20 तक आंतरिक सुरक्षा है, इंटरनल सिक्योरिटी। तो कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्या आ रहा है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखना। बात करेंगे जीएस पेपर 4 की, वो हम दूसरे वीडियोस में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।